फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। आज हम कंटिन्यू करेंगे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल के सेकेंड लेक्चर के साथ। आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज़। लास्ट लेक्चर में हमने वायरल डिजीज़ पढ़े थे, उसके साइंटिफिक नेम्स पढ़े थे और उसके लिए होने वाले कुछ टेस्ट पढ़े थे। आज हम देखेंगे बैक्टीरियल डिजीज़ क्या होते हैं। उससे पहले, वायरस जो है वो एक इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि रेप्लिकेट करता है इनसाइड द लिविंग सेल। ओके, वायरस कभी मरता नहीं है, कभी ख़त्म नहीं होता। उसी तरह से हम बैक्टीरियल डिजीज़ देखेंगे। बैक्टीरियल डिजीज़ जो है वो प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक मतलब वो ऑर्गेनिज़म्स जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, सिंगल सेल्ड होता है और नो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट देयर। सबसे पहला जो बैक्टीरियल डिजीज़ हम पढ़ेंगे वो है वूपिंग कफ। इसका साइंटिफिक नेम है बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस, इसे हीमोफिलिस पर्ट्यूसिस भी कहते हैं। ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, ये स्प्रेड करता है थ्रू कफ और स्नीजेस। ये एक एयरबॉर्न डिजीज़ है। देन थ्रू शेयरिंग ड्रिंक्स, ये वहाँ से भी स्प्रेड करता है। उसके बाद गनोरिया, इसका साइंटिफिक नेम है निसेरिया गनोरिया। ये टारगेट करता है वार्म मॉइस्ट एरियाज ऑफ द बॉडी, थ्रॉट, एनस, वेजाइना, आइज, यूरेथ्रा। ट्रांसमिट करता है अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स से, मदर टू बेबी ट्रांसफ़र कर सकता है, सलाइवा, इन्फेक्टेड ब्लड से। उसके बाद सिफाइलिस, इसका साइंटिफिक नेम है ट्रेपोलेमा पैलेडियम। ये भी टारगेट करता है वार्म मॉइस्ट एरियाज ऑफ द बॉडी। उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम टीबी भी कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है माइकोबैक्टीरियम। खांसी का हो जाना, सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस वही है। एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, ऑल्सो नोन एज वाइट प्लेग। इफ़ेक्ट कर सकता है स्किन को, इंटेस्टाइन, ब्रेन, बोन, जॉइंट्स, लिम्फ ग्लैंड्स। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो इसके लिए होती है, इसके लिए जो टेस्ट होते हैं वो है स्पूटम एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे, मैंक्सिस टेस्ट। उसके बाद लेप्रोसी, इसका साइंटिफिक नेम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ये डैमेज करता है सुपरफिशियल टिश्यूज़ जैसे कि स्किन, आइज, नोज और नर्वस सिस्टम को भी व्यक्त करता है। उसके बाद टाइफॉइड, इसका साइंटिफिक नेम है सेल्मोनीला टाइफाई। इसका वेक्टर है जिससे ये स्प्रेड करता है वो है हाउस फ्लाई। कंटेमिनेट फूड और वाटर से भी होता है। उसके बाद एयर वाटरबॉर्न डिजीज़ है, इफ़ेक्ट करता है इंटेस्टाइन। उसके बाद इसके लिए जो टेस्ट होता है वो है वाइडल टेस्ट। देन एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्सिस, ये जो है ये स्प्रेड करता है बाय एनिमल्स और इंसेक्ट्स के काटने से, एनिमल्स और इंसेक्ट्स के काटने से ये स्प्रेड करता है। उसके बाद ब्लैक क्वार्टर, क्लॉस्ट्रीडियम क्लॉवी। देन टेटनस, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, ऑल्सो नोन एज लॉक जॉ। इसमें क्या होता है कि इट्स अ पेनफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन होती हैं जॉज में और नेक में। ये एक फैटल इन्फेक्शियस डिजीज़ है। देन ये स्प्रेड बाय ऑकर आफ्टर एक्यूट इंजरी, आफ्टर बर्न्स, ईयर इन्फेक्शन, सर्जरी। इसे हाइपोकैल्सीमिया भी कहते हैं। उसके बाद डिप्थेरिया, कॉर्न बैक्टीरियम डिप्थेरिया, इसके लिए जो टेस्ट होता है वो है सिक टेस्ट। उसके बाद कॉलरा, ये एक वाटरबॉर्न डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, सीवियर डायरिया हो जाता है, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है। ये स्प्रेड करता है थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, इसको ब्लू डेथ भी कहते हैं। उसके बाद इसका जो ट्रीटमेंट है, इसके लिए जो है एंटीबायोटिक्स जो है वो ली जाती है। उसके बाद निमोनिया, निमोनिया का सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि ठंड का लगना निमोनिया हो गया। निमोनिया का जो साइंटिफिक नेम है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इसमें क्या होता है कि लंग्स में फ्लूइड जो है वो फिल हो जाता है, और कह सकते हैं कि पस फिल हो जाती है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, स्पेशली एडल्ट्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए और 65 अबव के लिए। उसके बाद इसके जो सिम्टम्स हैं वो हैं हाई फीवर हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना और ठंड लगना। उसके बाद प्लेग, ये इसका जो वेक्टर है वो है रैट्स, इसका साइंटिफिक नेम है यर्सिनिया पेस्टिस। उसके बाद एक जोनोटिक डिजीज़ है, इसका
अनदर नेम है ब्लैक डेथ। उसके बाद ट्रैकोमा, इसका साइंटिफिक नेम है क्लाइमेडिया ट्रैकोमैटिस, ऑल्सो नोन एज ग्लैनुलर कंजक्टिविटीज, सीरियस एंड कंटेजियस आई डिजीज। इसमें क्या होता है कि आईज को इफेक्ट करता है, ब्लर विजन हो सकता है, आईज में पेन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, इचिंग हो सकती है। ओके उसके बाद प्रोटोजोन डिजीज पढ़ेंगे, इसे हेलमेंट्स भी कहते हैं। सबसे पहला जो प्रोटोजोन डिजीज़ है वो है फिलेरिया और एलिफेंटियासिस। ये नाम के साथ ही दिख रहा है कि एलिफेंटियासिस, मतलब इसमें क्या होता है कि हाथ और पाँव जो है इस स्वेलिंग हो जाती है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी ब्रुगिया मलाई ब्रुगिया टिमरी। इसका जो वेक्टर है वो है कुलेक्स एंथ्रोपोडॉक्स फीमेल। ट्रीटमेंट जो है एल्पेंटाजोल, जो एक मेडिसिन है। उसके बाद इंसोमनिया, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ट्रिपोनिमा ब्रुकाई। ये होता है बाय द बाइट ऑफ सैंड फ्लाई, और कह सकते हैं सी सी फ्लाई भी कहते हैं और टिक टिक फ्लाई भी कहते हैं। इंसोमनिया में नींद का ना आना, डिप्रेशन हो जाना, तो ये सब सिम्टम्स हैं इंसोमनिया के। उसके बाद मलेरिया प्लाज्मोडियम। फीमेल एनोफेलिस जो है ये इसकी वेक्टर है, मलेरिया का वेक्टर है ये, मच्छर के काट जाने से होता है। इन्फेक्ट्स ब्लड और प्लाज्मा और लीवर, मदर टू न्यूबॉर्न ये स्प्रेड करता है। देन हम देखेंगे काला अजर, लेशमानिया डोनोवानी, कंटेमिनेटेड वाटर से होता है। वेक्टर इसका है सैंड फ्लाई, ब्लैक फीवर भी कहते हैं इसे। उसके बाद अमूबा डाइसेंट्री, एंटामूबा हिस्टोलिटिका, कंटेमिनेटेड वाटर से होता है, ये एक वाटरबॉर्न डिजीज़ है। उसके बाद है डायरिया। डायरिया जो है इसमें लूज वाटर स्टूल्स जो है वो पास होता है और फ्रीक्वेंटली ऑकर होता है। इसमें जो ट्रिप्सिन होता है इज डिस्ट्रॉयड। इसके बाद हम देखेंगे कुछ फंगल डिजीज़, इसे माइक्रोस्पोरम भी कहते हैं। सबसे पहली जो फंगल डिजीज़ है वो है अस्थमा। इसका साइंटिफिक नेम है एस्परगिलिस। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन के जो विंड पाइप होती है वो नैरो हो जाती है, स्वेल कर जाती है और एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पर्सन को डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथ करने में। उसके बाद ये माइनर भी हो सकती है, सीवियर भी हो सकती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी आना या चेस्ट में पेन होना, कफ होना। इसका ट्रीटमेंट जो है वो एक इन्हेलर जो है इसके लिए लिया जाता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे बाल्डनेस। बाल्डनेस जो है हेयर लॉस होना फ्रॉम स्कैल्प, स्कैल्प से हेयर लॉस होना या पूरी बॉडी में भी हेयर लॉस हो सकता है। उसके बाद सर्कुलर पैचेस में हेयर लॉस होना। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है टेपेडियस टेनिया कैपिटस। इसमें क्या होता है? ब्लॉकेज ऑफ द स्कैल्प हो जाता है। स्कैबिस, स्कैबिस जो है इसका साइंटिफिक नेम है एसीआरएस स्कैबिस। इसका जो कंडीशन है ये रहती है कि स्किन में ईचिंग हो जाती है, उसके बाद वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, स्प्रेड करता है स्किन टू स्किन कंटैक्ट से, हैंड शेक से भी कर सकता है, हग से भी कर सकता है। उसके बाद एथलीट फुट, ये नाम से ही दिख रहा है। इसमें क्या होता है? जो पाँव हैं उसमें स्वेलिंग हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन है और रैशेज हो जाते हैं, ईचिंग हो जाती है, क्रैक्ड हो जाती है, स्किन क्रैक हो जाती है। उसके बाद इसमें जो सेवरल फंगाई हैं वो है ट्राइकोफाइटॉन एपिडर्मिफाइटॉन माइक्रोपोरम कॉज्ड बाय टीनिया पेडिस। नेक्स्ट है रिंगवॉर्म। इसका साइंटिफिक नेम है ट्राइकोफाइटॉन लेरिकोजियम। ये इसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाती है स्किन में और स्कैल्प में, ये स्प्रेड करता है स्किन टू स्किन कंटैक्ट से, बाय टच, किसी इन्फेक्टेड एनिमल के टच से भी ये स्प्रेड करता है। उसके बाद इसके लिए जो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है वो है एंटीफंगल्स। उसके बाद हम कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ देखेंगे। ये क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, ये स्प्रेड नहीं करती है वन पर्सन टू अनदर, और इस ये एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है। जेनेटिकली भी हमारे पास हो सकती है, हमारे बॉडी में हो सकती है या साइकोलॉजिकली। और इसमें जो हमने
लिखी है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, वो है पार्किंसंस डिजीज़। इसमें क्या होता है, डिसऑर्डर हो जाता है नर्वस सिस्टम में और जो बॉडी है वो शेक करना स्टार्ट कर जाती है, और ट्रीमर्स जो है वो इसमें आते हैं। उसके बाद ऑटो इम्यून डिजीज़ है, स्ट्रोक्स है, रिलेटेड टू हार्ट है ये हार्ट डिजीज़, कैंसर है, डायबिटीज़ है, उसके बाद क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये रिलेटेड टू बोन्स है, और ऑस्टियोपोरोसिस ये भी रिलेटेड टू बोन्स है, अल्जाइमर डिजीज़ है, ब्रेन है, ब्रेन के रिलेटेड है, कैटरैक्ट्स आई के रिलेटेड है, एलर्जी का हो जाना, हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर। इसी के साथ हमारा कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड होता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।